अगर बिल्लू तो चलाना ही है तो एक पहली एक जगह से क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में तो इतना सारा अतिक्रमण है। एक जहांगीरपुरी की बात कुछ तो आप समझ में आ रही है, इतनी बात पे मतलब इतना सारा बवाल खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हो देश के हर हिस्से में कोने कोने पर, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे देख लो, चाहे तो आप बस स्टैंड पे देख लो, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे देख लो, या आप कहीं भी जाकर के या पुलिस थाने तक के पास में जाकर के देख लो, तो वहाँ पर इतना सारा अतिक्रमण है। हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर जरूर मिलेगा। अगर आपको इस तरह से बिल्लो तो चलाना ही है तो आप सारी चीजों को एक ही चीज को हटाइए ना, तब सही से समझ में आएगा कि आप मतलब निष्पक्ष काम कर रहे हो। ये तो आपका एक तरफा काम होगा। आज मेरे देश में कैसा ये बवाल है, 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 बेटी करी है तार तार युवा बेहाल है, बेटी करी है तार तार युवा बेहाल है। जय भीम भीम बोल, जय भीम भीम बोल, उधर हो जाएगा बीज भवर में है सदियों से नया पार तू लग जाएगा। जय भीम, हाँ जय भीम। नमस्कार जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। मेरे साथ में है मीना मोहन। अभी सिर्फ मैं इतना ही परिचय दूंगा, इसके बाकी का परिचय मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो मीना मोहन को आपने सुना होगा, यूट्यूब पर बहुजन मिशनरी गायक हैं और अपनी बेबाकी से अपनी बात भी रखती हैं। अभी जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली में मतलब जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाया गया है, तो इसको कैसे देखते हो, क्या मतलब इसके पीछे सरकार की मंशा होगी? देखिए, ये जो बुलडोजर चलाने का काम है ये तो अक्सर देख रहे उन्हें सिर्फ राजनीति करने का काम है। इसमें पर्सनली किसी जनता का या किसी मतलब जन भलाई नहीं है, मात्र ये जो सरकार है सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए करती है और एक दूसरे को एक तरह के मंदिरों पर या फिर बुलडोजर चलाकर, दूसरी बात उस जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसमें सीधे से यही है सरकार की मंशा क्या है, जो अगर बिल्लू तो चलाना ही है तो एक पहली एक जगह से क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में तो इतना सारा अतिक्रमण है। एक जहांगीरपुरी की बात कुछ तो आप समझ में आ रही है, इतनी बात पे मतलब इतना सारा बवाल खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हो देश के हर हिस्से में कोने कोने पर, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे देख लो, चाहे तो आप बस स्टैंड पे देख लो, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे देख लो, या आप कहीं भी जाकर के या पुलिस थाने तक के पास में जाकर के देख लो, तो वहाँ पर इतना सारा अतिक्रमण है। हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर जरूर मिलेगा। अगर आपको इस तरह से बिल्लू तो चलाना ही है तो आप सारी चीजों को एक ही चीज को हटाइए ना, तब सही से समझ में आएगा कि आप मतलब निष्पक्ष काम कर रहे हो। ये तो आपका एक तरफा काम होगा, तो काम एक तरफा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में मामा जी ने भी करवाया है या उनके चेला चपाटों ने कर दिया है, यानी कि व्यापन, उस पर क्या कहना चाहोगे? सर ये तो एक्चुअली मैंने भी व्यापन में टेस्ट दिया है बर्ग सिंह का, तो इस परेशानी से तो मैं भी जूझ रही हूँ। और ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है इस मुद्दे को रखना, क्योंकि इसको मतलब 2-3 मिनट में संक्षिप्त में पूरा बताओ कि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए व्यापन में क्या चल रहा है और क्या छात्रों को परेशानी है और क्या होना चाहिए आगे। देखिए एक्चुअली आप देख रहे हो तो हमारे देश में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पूरे मध्य प्रदेश का पूरे देश में बेरोजगारी इतनी फैली है कि जो देश की अहम समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये इस टाइम बन चुकी है। जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और रही बात इस जो टीचर की जो टेस्ट की संविधा के लिए जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया है, ये जो वैकेंसी आई थी करीबन 2011-12 में आई, तो समथिंग 10 साल होने को है, उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, तो बहुत सारे बेरोजगारी भी हो गई। तो करीबन वैकेंसी तो वही 5,000 निकली है, आपका समझ 10-12 लाख फॉर्म डाले थे, जब 10-12 लाख फॉर्म ठीक है भाई 5,000 है हमको ये तो ठीक है, हालांकि पूरे देश में पूरे प्रदेश में स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसी खाली, समय करीबन अभी सर्वे हुआ तो उसमें बताया गया कि 1 लाख के समथिंग वैकेंसी स्कूलों में खाली है।
लेकिन सिर्फ सीटें मात्र, जिस तरह से एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है ना, ऐसे छात्रों को पकड़ा दिया मात्र, जी जी उनके मुंह में जीरा, मात्र 5,000 अभी वैकेंसी बता रहे हैं और ये मुझे नहीं पता इतनी भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ठीक है, छात्रों ने बहुत अच्छा करना, दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे थे, करीबन 2 साल पहले फॉर्म फिलअप करवाए थे, अभी टेस्ट हुआ, टेस्ट भी सबने दे दिया ठीक। और टेस्ट भी आप ये कहोगे कि जो टेस्ट आया था मैंने दिया है, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी टेस्ट उसके मुकाबले कुछ नहीं है, वर्ग 3 का नहीं, बल्कि टेस्ट तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सबको शायद मुझे नहीं था IPS बनाएंगे, टीचर नहीं IPS बनाया, हाँ उस टेस्ट के द्वारा भाई, वो भी ठीक है, लेकिन पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब तो भाई मतलब छात्रों के मतलब पास मरने के सिवा कोई दूसरा चांस ही नहीं है। कि आपने लॉलीपॉप के रूप में जो वैकेंसी पकड़ाई थी भैया ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट ऐसा रख दिया टोटल आउट ऑफ सिलेबस, जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि एनवायरनमेंट जो सिलेबस में था वो बिल्कुल था ही नहीं, और पूरा वर्ल्ड लेवल की उसमें जीके थी, तो आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस हुआ वो भी ठीक है, उसके बाद पेपर ही लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो भाई जाहिर सी बात है कि जिसने पैसा ज्यादा भरा होगा उसी के नौकरी लगेगी। पेपर लीक का भी ऐसा आ रहा था कि कोई शिवराज सरकार मंत्री तो नहीं कॉलेज से हुआ है। हाँ जी, ये जो जी गोविंद सिंह राजपूत है जो आपके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान की जो एक जो उन्हीं के मित्र जो कॉलेज चलाते थे, उन्हीं ने जो मंत्री के बेटे हैं, मंत्री के बेटे की कॉलेज वहाँ वहीं से ये पेपर लीक हुआ, और उनके एक तरह से एजेंट होते हैं जो राजस्थान में एक और में जो कॉलेज चलाते संचालक है, उन्होंने एक तरह से छात्रों को मतलब पैसे लूटने का काम किया। तो अब आगे क्या हो, क्या चल रहा है, छात्र और टीचर मिलकर क्या कर रहे हैं, रिजल्ट मैक्सिमम का छात्र बहुत धरना कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको खूब मार रही है पीटे, तब भी बेचारे लगे हैं कि कहीं भाई सबसे पहले तो यह कि पेपर निरस्त हो दोबारा करवाया जाए, अगर निरस्त भी तो निरस्त का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सीधा सा रिजल्ट घोषित करने की डेट दे दी है, बता रहे हैं कि करीबन लास्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला है। तो हम ये चाहेंगे अगर ठीक है भाई आप नहीं दोबारा पेपर करवा रहे हो तो उसके लिए वैकेंसी बढ़ाई जाए, है ना, हम चाहते हैं कि सब लोग 50,000 वैकेंसी तो आनी चाहिए, यही सबसे बड़ी मांग है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, और बाकी तो ये फर्जीवाड़ा तो शिवराज की सरकार में ये तो होता ही रहेगा, हमेशा से होता है, ये तो बंद हो ही नहीं सकता। आप सिंगर हो, एक सिंगर के नाते ऐसा कोई गाना जो सरकार को दे सके? हाँ, एक गाना जो कोरोना काल में और एक जो आपका यूपी में एक लड़की से जो रेप हुआ था उसी टाइम में हमने लिखा था, हाथरस में, उसी पर हाथरस कांड पर लिखते हुए इस तरह से है, आज मेरे देश में कैसा ये बवाल 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 है, बेटी करी है तार तार युवा बेहाल है, बेटी करी है तार तार युवा बेहाल है, और इसकी कुछ लाइन इस तरह से, माँ देखती सपना मेरा बेटा पढ़ के आएगा, मेरे घर की गरीबी परलों में मिटाएगा, माँ बाप के सपने को बेटे ने खूब सहारा, वो करता इंतजार नौकरी की जगह निकली ना जगह कोई निकली, ना निकली कोई नौकरी, ना जगह कोई निकली, ना लगी कहीं नौकरी, आखिर में हारे पच के उसने अपनी सांस छोड़ी, अपनी सांस छोड़ी, आज देश के हर युवा का बस यही हाल है, आज देश के हर युवा का बस यही हाल है, बेटी करी है तार तार युवा बेहाल है। बिल्कुल, अभी एक घटना आई थी कि जो मध्य प्रदेश में गश्त फैकल्टी पर थे वहाँ पर उसने उसी स्कूल में जाकर के आत्महत्या फांसी से लटक गए थे, तो आज बिल्कुल ये गाना सही फिट होता है। तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपकी पहचान एक भीमसेन सिंगर के नाम से है,
तो मैं चाहता हूँ कि 4 लाइन में कोई इसी भी एक बाबा साहब के गानों में जाए, उसके बाद हम जी बाबा साहब का एक बहुत ही पॉपुलर कंपोजिंग है जो लिखी हुई है और मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगी। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम भीम बोल, जय भीम बोल उधर हो जाएगा। बीच भवर में है सदियों से नया पार तू लग जाएगा। जय भीम हाँ जय भीम जय भीम ओ जय भीम। पाखंड की ओट से था चारों तरफ अंधियारा, ओ पाखंड की ओट से था चारों तरफ अंधियारा। तब भीम आई की ओट से आया जमीन पर एक तारा प्यारा। यूं तो तारों के आने पर सब सो जाते हैं, मगर भीम वो तारा है यारो जिसने हमें जगाया है और जगाता ही जाएगा। जय भीम ओ जय भीम जय भीम जय भीम। थैंक यू। तो ये थी मीना मोहन और मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इनका परिचय मैं पूरा बाद में कराऊंगा, तो साथ ही बता दूं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मीना मोहन मौर्य का आपको जनित आवाज पर दुनिया का पहला इंटरव्यू है मीना मोहन का। इससे अलावा किसी भी चैनल का आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। और ज़्यादा परिचय बस यही है कि ये गाने अधिकतर लिखते हैं, हम दोनों मिलकर लिखते हैं, मैं इनका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है। ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक था लेकिन दुनिया जो पहले से जानते हैं वो जानते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार, जय हिंद।